नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टैलेंट में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का विषय है लक्ष्य। जीवन में लक्ष्य का होना कितना जरूरी है। ये ना हो तो जीवन उस बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह है जिसमें बैठने वाले का कोई भविष्य नहीं होता। आइए और विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद। लक्ष्य पर साधे निशाना। जीवन में लक्ष्य का होना जरूरी क्यों है? यदि आपसे पूछा जाए कि क्या आपने अपने लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं, तो आपके सिर्फ दो ही जवाब हो सकते हैं, हाँ या ना। अगर जवाब हाँ है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादातर लोग तो बिना किसी निश्चित लक्ष्य के ही अपनी जिंदगी बिताए जा रहे हैं और आप उनसे कहीं बेहतर स्थिति में हैं। पर यदि जवाब ना है तो ये थोड़ी चिंता का विषय है। थोड़ी इसलिए क्योंकि भले ही अभी आपका कोई लक्ष्य ना हो, पर जल्द ही सोच विचार करके अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। लक्ष्य होते क्या है? लक्ष्य एक ऐसा कार्य है जिसे हम सिद्ध करने की मंशा रखते हैं। कुछ उदाहरण लेते हैं। एक विद्यार्थी का लक्ष्य हो सकता है अंतिम परीक्षा में 80% से ज्यादा अंक लाना। एक कर्मचारी का लक्ष्य हो सकता है अपने कार्य के आधार पर पदोन्नति पाना। एक गृहिणी का लक्ष्य हो सकता है घर बैठे कोई व्यवसाय करना। एक ब्लॉगर का लक्ष्य हो सकता है अपने ब्लॉग की पेज रैंक 0 से 3 तक ले जाना। एक समाज सेवी का लक्ष्य हो सकता है किसी गाँव के सभी लोगों को साक्षर बनाना। लक्ष्य का होना जरूरी क्यों है? सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए जब आप सुबह घर से निकलते हैं तो आपको पता होता है कि आपको कहाँ जाना है और आप वहाँ पहुँचते हैं। सोचिए अगर आपको यह नहीं पता हो कि आपको कहाँ जाना है तो भला आप क्या करेंगे? इधर उधर भटकने में ही समय व्यर्थ हो जाएगा। इसी तरह इस जीवन में भी यदि आपने अपने लिए लक्ष्य नहीं बनाए है तो आपकी जिंदगी तो चलती रहेगी, पर जब बाद में आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो शायद आपको पछतावा हो कि आपने कुछ खास हासिल नहीं किया। लक्ष्य व्यक्ति को एक सही दिशा देता है, उसे बताता है कि कौन सा काम उसके लिए जरूरी है और कौन सा नहीं। यदि लक्ष्य स्पष्ट हो तो हम उसके मुताबिक अपने आप को तैयार करते हैं। हमारा अवचेतन मन हमें उसी के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। दिमाग में लक्ष्य साफ हो तो उसे पाने के रास्ते भी साफ नजर आने लगते हैं और इंसान उसी दिशा में अपने कदम बढ़ा देता है। अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करने के लिए ईश्वर ने इंसान को सीमित ऊर्जा और सीमित समय दिया है, इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम इसका उपयोग सही तरीके से करें। लक्ष्य हमें ठीक यही करने को प्रेरित करता है। अगर आप अपने अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखकर कोई काम करते हैं तो उसमें आपकी एकाग्रता और ऊर्जा का स्तर कई गुना ऊपर उठेगा। जैसे जब आप किसी पुस्तकालय में बिना किसी खास पढ़ने के मकसद से जाते हैं तो आप यूं ही कुछ किताबों को उठाते हैं और उनके पन्ने पलटते हैं और कुछ एक पन्ने को पढ़ डालते हैं। पर वहीं अगर आप किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को पूरा करने के मकसद से जाते हैं तो आप उसके मतलब की ही किताबें चुनते हैं और आप अपना काम पूरा करते हैं। दोनों ही मामलों में आप समय उतना ही देते हैं, पर आपकी दक्षता में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसी तरह जीवन में भी अगर हमारे सामने कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है तो हम यूं ही अपनी ऊर्जा को बर्बाद करते रहेंगे और नतीजा कुछ खास नहीं निकलेगा। लेकिन इसके विपरीत जब हम लक्ष्य को ध्यान में रखेंगे तो हमारी ऊर्जा सही जगह उपयोग होगी और हमें सही परिणाम देखने को मिलेंगे। सफल होने के लिए जिससे भी पूछिए वो यही कहता है कि मैं एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ। पर अगर ये पूछिए कि क्या सफल हो जाने पर वह खुद को सफल व्यक्ति मानेगा, पर इसका उत्तर कम ही लोग पूरे विश्वास से
दे पाएंगे। सबके लिए सफलता के मायने अलग अलग होते हैं और यह मायने लक्ष्य द्वारा ही निर्धारित होते हैं। तो यदि आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आप एक बार औरों की नजर में तो सफल हो सकते हैं, पर खुद की नजर में आप कैसे निश्चय करेंगे कि आप सफल हैं या नहीं? इसके लिए आपको अपने द्वारा ही तय किए हुए लक्ष्य को देखना होगा। अपने मन के विरोधाभास को दूर करने के लिए हमारे जीवन में कई अवसर आते जाते रहते हैं। कोई चाहकर भी इस अवसर का फायदा नहीं उठा सकता। हमें अवसरों को कभी हाँ तो कभी ना करना होता है। ऐसे में ऐसी परिस्थितियां आना स्वाभाविक है। जब हम निश्चय नहीं कर पाते कि हमें क्या करना चाहिए, ऐसी परिस्थितियों में आपका लक्ष्य आपका मार्गदर्शन कर सकता है। जैसे मेरा और मेरी पत्नी का लक्ष्य एक ब्यूटी पार्लर खोलने का है। ऐसे में अगर आज उसे एक ही साथ दो जॉब ऑफर्स मिले जिसमें से एक किसी पार्लर से है, तो वह बिना किसी उलझन के उसे ज्वाइन कर लेगी, भले ही वहां उससे दूसरे प्रस्ताव की तुलना में कम वेतन मिले। अगर सामने कोई लक्ष्य ना हो तो हम तमाम कारकों को मूल्यांकन करते रह जाएंगे और अंत में शायद ज्यादा वेतन ही निर्णायक कारक बन जाए। दोस्तों, अर्नोल्ड एच ग्लासगो का कथन है, फुटबॉल की तरह जिंदगी में भी आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आपको अपने लक्ष्य का पता ना हो। मुझे बिल्कुल उपयुक्त लगता है। तो यदि आपने अभी तक अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है तो इस दिशा में सोचना शुरू कीजिए। लक्ष्य बनाइए, बड़े लक्ष्य बनाइए और उन्हें हासिल करके ही दम लीजिए। धन्यवाद।